Oh my God, इतने सारे gifts. देखिए जीजी, कितने सारे gifts. एक बात तो माननी पड़ेगी जीजी, विदिता is really very lucky. जो एक के बाद एक इतने सारे gifts उसको मिल रहे हैं. वैसे जीजी, आज मुंह दिखाई में विदिता पहनने वाली क्या है? वही घाघरा चोली. वैसे भी गांव के लोगों को आजकल फैशन सेंस ही कहाँ है, है नहीं? Well, मामी, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप भी गांव से ही हो ना? हूँ नहीं थी. By God की कसम, मेरे फैशन सेंस के चर्चे पूरी दुनिया में आज भी है, हाँ नहीं तो. हाँ मामी, वो तो आपको देख के ही लगता है. थैंक यू थैंक यू. मॉम, ये दूल्हा दुल्हन रेडी होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, मैं जाके देख के आती. रुको बेटा, आते होंगे. ओके. पर मॉम, ये भाभी का आज खेजरेला जाना जरूरी है क्या? हाँ मीरा, हर दुल्हन शादी के अगले दिन पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है, जहाँ लड़की का परिवार दोनों को प्यार और आशीर्वाद देते हैं, लाड लड़ाते हैं. अरे अश्विन को फोन करना भूल गए. जी हुकुम. मैंने तुमको फोन इसलिए किया कि मुंह दिखाए रस्म के बाद पगफेरे की रस्म के लिए मैं विदिता को भेज रही हूँ. हाँ हाँ ठीक है, हम इंतजार करेंगे. जी खम्मा गड़ी गड़ी खम्मा. विदिता आ रही है पगफेरा वास्ते, जोधपुर से निकलने वाले वो लोग. मासा, भगवान के वास्ते आज कुछ बखेड़ा मत करना मेहमानों के सामने. पुष्कर बन्ना भी आने वाले हैं. बेला को समझा देना कि कुछ उलझुल बात ना करे, संभल के बोले. रंगीला और बेला की शादी के बारे में उनको पता को नहीं चलना चाहिए. मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूं मासा, बस आज शाम की बातें संभाल लेना. पुष्कर जी, आपने मेरे लिए इतने सारे कपड़े खरीद के रखे हैं, मेरे सारे मनपसंद हैं, तो मैंने भी आपके लिए एक ड्रेस निकाल के रखी. ये देखो कैसी है, हम दोनों की अच्छी मैचिंग होगी, है ना? क्या कहते हो आप? तुम क्या कहना चाहती हो? कि मुझ में इतनी भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है कि मैं अपने कपड़े खुद चूज कर सकूं? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. मैं तो बस तुम्हारा स्टेटस बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अब तुम राठौर परिवार की बहू बन चुकी हो. मुझे लगा कि तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन मैं तो इसी माहौल में पैदा हुआ हूँ ना. देखो विदिता, अगर तुम कुछ बदलना चाहती हो तो सबसे पहले अपने आप को इस परिवार के हिसाब से ढाल लो, सब खुश हो जाएंगे. और जहाँ तक ड्रेसिंग सेंस की बात है, कुछ दिन साथ रहोगी, सीख जाओगी. विवेक से शादी करने का फैसला मेरा था, उसे मैं पहले से जानती थी. अच्छा एक काम करते हैं, आज तुम्हें ये सिखाते हैं कि खुद को बदलते कैसे. आओ ध्यान से. आईज क्लोज्ड. भरोसा नहीं है मुझ पे. आज तक सिर्फ सुना था प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है. तुम मिले तो प्यार की शक्ल देखी मैंने. काश ऐसा हो जाए, मैं कुछ ना कहूं और तुम सब समझ जाओ.
परफेक्ट। आज तुम्हें मैं तो क्या, आईना भी पहचानने से इनकार कर रहा है। मिसेस पुष्कर राठौड़, हम क्या पहनते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे पहनते हैं। अब तुम नीचे जा सकती हो, सब मुंह दिखाई के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। मैं चेंज करके आता हूँ। जी जी, विदिता अब तक नीचे नहीं आई। मुंह दिखाई के लिए लेडीज आती ही होंगी। वाव भाभी, यू आर लुकिंग सो डिफरेंट। वैसे ड्रेसिंग स्टाइल के साथ साथ आपके फेस की रौनक भी पतली पतली सी लग रही है। एक रात में इतना असर। खुश रहो बेटा, मेरी बहू हर सांचे में कितनी खूबसूरत से ढल जाती है। जीती रहो। जुग जुग जियो बेटा। क्यों मामी, गांव की इस गोरी का ये नया लुक कैसा लगा आपको? सही है, अच्छा है, गुड गुड। विदिता, पुष्कर कहाँ रह गया? जी वो आ रहे हैं। तो फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। क्या हुआ? भाट अपन, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? विदिता, तुम ठीक हो ना? जी जी, मैं ठीक हूँ। कल रात को मेरी गलती से टेबल से पैर लग गया तो चोट आई। हाँ, पुष्कर जी ने पट्टी बांध दी है, ठीक है। आओ बेटा बैठो। क्या बात है मॉम, बहू आ गई तो बेटे को भूल गया? अच्छा, एक माँ अपने बेटे को भूल सकती है क्या? वैसे भी तुम दोनों एक हो चुके हो, प्यार इससे करो या तुझसे, एक ही बात है। वैसे भाई, आप मॉम को कितनी भी बटरिंग कर लो, अब से आपको एक बात बार बार चुभने वाली है। और वो क्या? के अब से मॉम भाभी को ज्यादा प्यार करने वाली है, आपसे ज्यादा। वो तो है मीरा, क्योंकि हमारी मॉम सिर्फ प्यार बांटना जानती है। अच्छा, मैं आज आप सबसे एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूं। आज मैंने जिंदगी में पहली बार किसी और की चॉइस के कपड़े पहने। स्वीट भाई, मॉम के साथ साथ आप पे भी भाभी का जादू चल ही गया। आ, बैठो बेटा। देखा चारू, कितना शातिर है मेरा भांजा। एक ही झटके में अपने वाइफ को इम्प्रेस कर दिया। एक्जेक्टली। और एक मैं हूँ, कुछ भी कर लूँ तुझे कमी लगता है। यही किया तुमने? आए मरे, चुप करो। और तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट। Thank you.
सदा सुहागन रहो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा खुश रहे। क्यों चारू, अब लग रहे हैं ना विदिता राठौड़ परिवार की बहू? हाँ जी जी, इस बार तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया विदिता ने। बट प्लीज डोंट माइंड, हाँ वो अभी राठौर खानदान में विदिता को एडजस्ट करने के लिए ना बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा। चारू, मुंह दिखाई कर रस्म शुरू करो। लो बहू रानी, तुम्हारी मुंह दिखाई हमारी तरफ से। पुष्कर तुम कार निकालो और विदिता को छोड़ा। मैंने अश्विन से बात कर ली और शाम को विदिता को वापस ले आना। जी मां। मॉम शायद मैं अपना फोन भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी आना। चलो बेटा। अरे अरे पुष्कर, जरा हमारी तो सुन लो भाई। हमने तो अपनी मुंह दिखाई कर ली, मगर तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है तुम्हारी मुंह दिखाई प्रॉपरली तरीके से नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी कल की रात थोड़ी फीकी रह गई। इतना एक्सपीरियंस तो हम दोनों को भी है। भांजे तो समझा नहीं, तेरी मामी तेरी टांग खींच रही है। अरे तू तो इसकी आदत जानता है ना। छोड़ ये सब बातें, तू निकल वरना खेजरला दोपहर को ही पहुंचेगा। मामी जी को कैसे पता चला कि कल रात मेरे और विदिता के बीच कुछ नहीं हुआ? भांजे किस सोच में डूब गया? जाना। चलता मामी। हाँ जा जा। चारू तू सोच समझ के नहीं बोल सकती क्या? अरे छोड़ो भी, हटे ऐसे। एक बात पूछो। आप ठीक तो हो ना? मुझे क्या हो सकता, नई नई शादी हुई है, नई नई दुल्हन मिली है। I'm happy. हैप्पी हैप्पी तो नहीं लग रहे। कल रात से आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या हुआ? कल रात? क्या हुआ कल रात? तुम्हें चोट लगी इसलिए मैं स्टडी में जाकर सो गया। That's it. विवेक से शादी करने का फैसला मेरा था, उसे मैं पहले से जानती थी। तुम मिले तो प्यार की शक्ल देखी मैंने, पर तुमसे मिलके मेरी दुनिया बदल गई है। तुम्हें लिखना बहुत पसंद है ना, लव लेटर्स, ब्लॉग्स एंड ऑल। लव लेटर्स? किसे लिखूंगी मैं लव लेटर्स? ब्लॉग्स लिखना बहुत पसंद है। आपने पढ़े हैं? हम पहुंच गए। क्या कर रही है? मॉम ने गिफ्ट किया तुम्हें। बस उतार रही हूँ। नहीं, उनकी दी हुई हर चीज बहुत खास है मेरे लिए, लेकिन अपने परिवार के सामने इतना महंगा हार पहन के जाना ठीक नहीं लग रहा है, बस इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। रुको मैं हेल्प कर देता हूँ। लगता है अटक गया, अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, अंदर चलते। नहीं, फूटरी लग रही है, आज तो पहचान में ही कोनी आ रही है। हमारी नजर ना लगे तूने।
बेला अब कैसी है तेरी तबीयत? तुझे पता है मैं तुझे कितना याद कर रही थी। तेरी तबीयत भी तभी खराब होनी थी। तू तो ठीक से शादी भी नहीं देख पाई। लेकिन तू ठीक है? पुष्कर बन्ना, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आपने तो हमारी विदिता को एक ही दिन में पूरा बदल दिया। ऐसी बात नहीं है अशुन भाई साहब। चलिए आप बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं पुष्कर बन्ना, अभी तो आए हैं आप, चाय नाश्ता करके जाइए। चाय नाश्ता शाम को जब विदिता को लेने आऊंगा। शाम को थोड़ा आराम से आइएगा पुष्कर बन्ना, दोनों बहनों की बातें जल्दी खत्म को नहीं होने वाली। ख्याल रखूंगा, चलिए। अरे हस्बैंड भाई साहब, तू अठे के कर रहा है? तने मना किया था ना हमारे घर के आसपास भी आने के लिए, फिर तारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? चल निकल अठे। ना ना ना, मैं अठे से कौन नहीं जाने वाला, आज सब लोगों के सामने बात होगी खुल्लम खुल्ला। तू फिर से यहाँ आ गया, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? हिम्मत की जरूरत तो थारे जीजाजी को पड़ेगी, पूरी पंचायत के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी मुझसे। माफी किस बात की? विदिता जिस बकवास कर रहा है सब, तुम लोग अंदर जाओ, मैं देखूं इन्हें। ना 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 ना, एक मिनट, तू तो पता को निकल के कांड हुआ? अरे जिंदगी बर्बाद कर दी थारे पूरे परिवार ने हमारी। ये आशा खाकी तारे से ब्याह कराने की बात करी थी, बेला से ब्याह करवा दिया। विदिता से थारा ब्याह बस एक ही इंसान करा सकता है, खुद आशा काकी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि कब विदिता के साथ थारा ब्याह हो गया। एक दामाद की दादी इतनी खातिरदारी और हमारे साथ दुश्मन जैसा बर्ताव। रे चुप कर रंगीले, हैं? थारे बोलने से क्या होगा? कल को तो तू कह देगा कि तू सारे गांव का सरपंच है, तो सब मान लेंगे के? अच्छा तो जे के आसमान से तारे तोड़ के लेकर आया था, हैं? सात फेरे इसने लिए, सात फेरे मैंने लिए, हो गया ब्याह। मैं को नहीं मानू ये फेरे, अमन ने नहीं चाहिए थारे जैसा दामाद। खबरदार जो थारी जबान से मारी बेला का नाम लिया तो। इतने महंगे महंगे कपड़ों की शॉपिंग क्यों करवाई मारे से? पहले 16,000 रुपए की ड्रेस, उसके बाद मन नहीं भरा तो फिर 20,000 रुपए की ड्रेस। अरे 36,000 रुपए खर्च हो गए हमारे, वो भी नकद। ये विदिता के खातिर तो मैंने मार भी खाई। पहले तो बड़े पल्लू निकाल निकाल के मन पटाने आ जाती थी, के हुआ विदिता का बोल के बेला से शादी करा दी मारी, पर इस सब झमेले में मने के मिला। बंद कर थारी बकवास, तन्ने जो कुछ भी कह मन्ने को नहीं सुनना, अठे से निकल जा वरना थारा किस्सा अठे के अठे खत्म कर दूंगा मैं। रुकिए भाई साहब, इससे मैं बात करता हूं। ट्रिपर बना मारियो कोनी, तू विदिता से उसकी मर्जी के बिना शादी करना चाहता था, मेरे मंडप से उसे उठा के लेके जाना चाहता था। तेरी हिम्मत के लिए तो तुझे अवार्ड मिलना चाहिए रंगीला। अरे पुष्कर बन्ना, हमारी कोई गलती कौन नहीं, मैंने तो मोहरा बना दिया था। जी जी आशा काकी, ये चाहती थी बेला की शादी थारे से हो जाए। ये आशा काकी, मैंने बोली थी विदिता को तू उठा के ले जा और मंडप में बेला को बिठा देगी आपके साथ ब्याह वास्ते। गले मोहल्ले के अंदर इज्जत ही ना रही हमारी, दोस्त यार सब हंसते हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी की तो लगा दी पुष्कर बन्ना। और जब भी इनसे बात करने आओ सारे मिलके कुत्तों की तरह काटने दौड़ते हैं मुझको। ये
समझना पुष्कर मनना, ये आशा काकी की वजह से हुआ है।